अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट के अंदर आज के दिन हमने एक ज़बरदस्त तेज़ी देखी है। 48,000 का लेवल काफ़ी अरसे बाद हम कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर दोबारा से अचीव भी हुआ, सस्टेन भी हुआ और आने वाले दिनों में ये बुल रन की एक्सपेक्टेशन है। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दैट कि आज कल हमारे इकोनॉमिक नंबर्स या हमारे जो बायलेटरल रिलेशंस है या फिर हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो काफ़ी हद तक अब अलाइन है, अब काफ़ी हद तक ट्रैक पर दिखाई देती है। इस चीज़ की जमानत हमें मार्केट के नंबर्स भी दिखाई देते हैं और साथ साथ हमारे मुल्क के अंदर जो डिफरेंट कंट्रीज के रिलेशनशिप बिल्डअप हो रहे हैं वो तमाम चीज़ें मिलकर एक ट्रस्ट बिल्डअप कर रहे हैं। साथ साथ हम देख रहे हैं चाइनीज नायब प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर तशरीफ आवर हैं, यहाँ पर इन्होंने कॉन्फ्रेंस में भी जो है वो पार्टिसिपेट किया है। 10 साल सेलिब्रेशन दिखाई दे रही है सी पैक की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि पाकिस्तान और चाइना का कितना ज़्यादा एक रिलेशनशिप है, वो अभी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले मैं बताते चलूं कि मार्केट के नंबर्स 48,000 के लेवल पर आज क्लोजर रहा, साथ साथ इंट्राडे हाई भी एक अच्छा दिखाई देता है। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे तकरीबन 15% अबव मार्केट के नंबर जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं और तमाम चीजें इस चीज की जमानत दिखाई दे रही है कि यहां पे इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन हो रही है। वॉल्यूम्स बहुत जबरदस्त दिखाई दे रहे हैं, जो पहले हमने देखा था रिसेंट पास्ट में कि श्रिंक हो रहे थे, अब बेहतर हो रहे हैं। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे, आज पॉलिसी रेट की अनाउंसमेंट भी थी जो कि अनचेंज रखी गई है, तो आज हमने टॉपिक में भी ये डिस्कस करना है। साथ साथ चाइनीज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट है यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस होंगी। सी पैक के 10 साल मुकम्मल हुए हैं, 10 साल में क्या क्या काम हुए हैं, आने वाले दिनों में क्या क्या एक्सपेक्टेशन है। साथ साथ अगर हम बात करें बिजनेसिस की और इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो कहाँ पर ये प्रोसेस हो रहे हैं, कितना ज़्यादा ये प्रोसेस आगे बढ़ा है और आने वाले जो कुछ साल हैं जिनके अंदर ये विजन सेट किया गया है उसमें क्या एक्सपेक्टेशन है। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, खुश आमदीद कहते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं महमूद अहमद खान साहब, आप हैं कन्वीनियर सी पैक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमेटी आबाद के, उनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं परवेज़ मद्रास वाला साहब, आप इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और बिजनेस मैन भी हैं, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे चाइनीज़ प्रीमियर जो यहाँ मौजूद हैं, वाइस प्रीमियर ही लिफेंग। परवेज साहब, आप क्या समझते हैं कितना इम्पॉर्टेंट है ये दौरा, ख़ासकर जब सी पैक को 10 साल मुकम्मल हुए हैं, ये एक 10 साल दोस्ती कह लें या एक हमारी काम करने की एक इतनी ज़बरदस्त सलाहियत के जो दोस्ती और मजबूत हो जाती है, तो सी पैक को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे और दूसरा आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्टेशन है। देखिए नताशा, थैंक यू सो मच। सी पैक जो है वो पाकिस्तान की जो डेस्टिनी है ना उसको डिफाइन करता है, अगली अब जो पाकिस्तान आगे जाएगा, जो नेक्स्ट लेवल पे पाकिस्तान तरक्की करेगा उसमें सी पैक का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और इसके लिए जो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने जो पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, जो साथ दिया है और जो वन बेल्ट वन रोड का इनिशिएटिव है चाइनीज़ गवर्नमेंट का, वो एक समझ लें कि पाकिस्तान के बग़ैर जो है ना वो नामुमकिन है। अब जो गवर्नमेंट चाइनीज़ गवर्नमेंट का जो कॉन्फिडेंस है और जो यहाँ आए हैं 3 दिन के लिए, देखें ये एक बहुत बड़ी ज़रूरी बात है कि 3 दिन के लिए प्रीमियर यहाँ पाकिस्तान में आया है, मौजूद है, ठीक है, मौजूद है। तो इसके अंदर बहुत सारी जो है ना एग्रीमेंट्स भी साइन होंगे, बहुत सारी डिटेल डिस्कशन भी होंगे, बहुत सारे प्राइवेट एंटरप्राइजेस को भी देखा जाएगा कि किसको टारगेट किया जाए और किसके साथ और पार्टनरशिप को मजबूत किया जाए। देखिए चाइनीज़ गवर्नमेंट या चाइनीज़ एंटिटीज़ जो भी पाकिस्तान आती हैं उनका एक और भी मकसद होता है, वो चाहते हैं कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन है वो भी इनके साथ जो है ना इस इनिशिएटिव में हमारे साथ दें और उनके साथ जॉइंट वेंचर भी करें। और ये एक बहुत ज़रूरी है कि चाइनीज़ बिजनेसमैन और पाकिस्तानी बिजनेसमैन जॉइंट वेंचर करके ना इस जो ये मंसूबा है या सी पैक का जो इनिशिएटिव है ना इसको आगे बढ़ाएं। इससे क्या है कि रेवेन्यू भी बढ़ेगा हमारा, हमारी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया है ना वो उसमें आगे जाने का मौका मिलेगा। देखें इंडस्ट्रियलाइजेशन हर मुल्क के लिए ज़रूरी होती है, लोकल प्रोडक्शन हर मुल्क के लिए ज़रूरी होती है, वो मुल्क को बहुत तेज़ी से आगे ले जाता है। आज अगर हम इंडस्ट्री में पीछे रह गए हैं ना उसका मकसद यही है कि हम दुनिया की रेस में बहुत पीछे रह गए। अब चाइना एक ऐसा मुल्क है और मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा दोस्त मुल्क है जो हमें उस जो है ना इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमें अंदर ला सकता है और हमें आगे बढ़ा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में इस वक्त जो ये चाइनीज़ प्रीमियर आए हैं
तो इसका मतलब ये है, वाइस प्रीमियर आए, इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत बड़ा हमारे साथ वो साथ है और वो यहाँ आके जो है ना बहुत सारी जो है ना हमारे साथ डिस्कशन होगी और जो ऑलरेडी इनके एजेंडे में है तो इंशाल्लाह अब आप देखेंगे एम्बेसडर भी नया चाइनीज ने उन्होंने भी डिक्लेयर कर दिया तो वो भी आ रहा है एंड आई थिंक वो जो है ना बड़ा एक्सपीरियंस एम्बेसडर आ रहा है जिसको ये इस जो हमारा जो एरिया है इसके बारे में इनको पता है। तो इसका मतलब यह है कि आगे इसके डेवलपमेंट अच्छा होगा इंशाल्लाह। राइट, मैं महमूद साहब से पूछना चाहूँगी क्योंकि परवेज साहब ने अपनी एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा एनालाइज किया है, लेकिन महमूद साहब आपका बड़ा ताल्लुक रहा है, आपकी जो पोजीशन है वो भी सीपैक को ही डिस्क्राइब करती है। व्हाट डू यू थिंक कि ये जो सीपैक का काम बीच में रुक गया था या इसे कह लें कि पॉज हो गया था या कोई भी साजिश थी, व्हाटएवर रीजन, लेकिन अब तमाम मामलात बेहतरीन दिखाई देते हैं, आप क्या समझते हैं ये बायलैटरल रिलेशन, दोस्ती कह लें, और ख़ासकर जो हमारे काम करने के सलीके हैं जो एक अरसे से चले आ रहे हैं वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि चाइना ने हमेशा हमारा साथ दिया है। अभी हम इतने बड़े क्राइसिस, इकोनॉमिकल क्राइसिस में जो थे उस वक्त भी हमें अगर किसी ने साथ दिया तो स्टार्ट किया चाइना ने, ठीक है। गवादर में चाइना का इन्वेस्टमेंट या पाकिस्तान में इनका इन्वेस्टमेंट 26 बिलियन है अभी तक, 25.4 में। अब आप ये देखिए कि जब वो ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अभी चार दिन पहले जो है ना प्राइम मिनिस्टर साहब खुद गवादर आए, मैं आपको वहाँ से शुरू करता हूँ, गवादर आए, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद वहाँ आए, नेवल चीफ वहाँ पर आए और पांच मिनिस्टर्स भी थे उसके साथ, एहसन इकबाल साहब थे और साद रफीक साहब थे, फैजल सब्जवारी साहब, पांच मिनिस्टर्स भी आए, तमाम सेक्रेटरीज मौजूद रहे, दिन भर वो गवादर में रहे। मेरा कहने का मकसद ये कि अब ऐसा लग रहा है कि जो सीपैक के मामला ठंडे पड़े हुए थे या जिस पे लोगों ने इतना अमल नहीं किया, गवर्नमेंट ने इतना अमल, अब उसमें बहुत तेज़ी आ रही है। क्यों आ रही है? कि चाइनीज़ ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो उसके अंदर अब पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। हम 10 साल दौर हम गुजार चुके, जो पहला फेज़ था इसका ख़त्म, अब हम दूसरे फेज़ पे आ रहे हैं। आज भी जो चाइनीज़ सेकंड प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ लाए, आज वहाँ 6 एग्रीमेंट और साइन हुए जो प्राइम मिनिस्टर और उनके दरमियान साइन हुए। तो ये वो सब चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं कि अब पाकिस्तान में जो गवादर के मामलात हैं, वो सीपैक के मामलात हैं, उसमें बेहतरी आएगी। अब इस बेहतरी की तरफ जाने के लिए देखें, सबसे बड़ी चीज़ तो जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मैं बहुत इसको अप्रिशिएट करूँगा, हम एक तरीके के बिल्डर भी हैं ना वहाँ, बहुत सारे लोग हमारे बिल्डर साथी भी हैं। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने SED से को मंजूर कर लिया हमारी, ठीक है। अब हमारी अपील है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि वो भी SED हमारी मंजूर कर देगी इंशाल्लाह, वो लाइन के अंदर लगी हुई है। इन हालात के अंदर, इन तमाम चीज़ों के बाद अगर गवादर के अंदर तरक्की चाहिए, सीपैक को कामयाब करना है, तो हमें उन तमाम वादों को जो हमने चाइनीज़ से किए वो हमें पूरा करने पड़ेंगे। और अब इस गवर्नमेंट के साथ मैं ये कहूँगा कि हाँ, अब ऐसा लग रहा है कि अपने वादे पूरे करने के लिए जा रहे हैं सारे। पिछले हम पॉलिटिकल लोग तो हैं नहीं जो हम उसका, लेकिन हम ये ज़रूर देखते हैं कि इसका असर बिज़नेस पे क्या हुआ। देखिए, इनके साथ साथ आपको बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, एक बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपके यहाँ तकरीबन 1,92,000 एम्प्लॉज़ आएंगे, ये बड़ी बात होगी। उसके साथ साथ एनर्जी की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लाइनें पड़ रही हैं, रोड के ऊपर वहाँ बहुत सारा काम हो रहा है जो अब जो बाकी रह गया है, तो इन चीज़ों को करने के लिए हम चाइनीज़ के बड़े हमेशा की तरह शुक्रगुजार होते हैं। और इस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कदम उठाया कि 10 साल जो तकरीब है उसमें चाइनीज़ को बुलाया सेकेंड PM को, ये बहुत खुशाइन बात है। अब देखिए, सीपैक के जो काम रह गए हैं, जो अमाउंट वहाँ रह गई है, वो जो और मज़ीद वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इनके साथ चाइनीज़ भी लोग आए हैं, वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट मज़ीद करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे लिए हमारी तरफ से ज़रूरी है हम भी आगे हाथ बढ़ाएं और उस इन्वेस्टमेंट के साथ साथ हमारे लोग भी हैं उसको भी आगे बढ़ें। ये आज जो है पाकिस्तान की तारीख का बड़ा अहम दिन है कि सीपैक के हवाले से कि 10 साल पूरे होने के बाद जो इन्होंने सालगिरह मना रहे हैं उसमें उनको बुलाया और वो खुद आए और वो इस बात का इहादा करने के लिए आए कि चाइना हमारे बैक पर खड़ा हुआ है, ये असल कामयाबी है। बिल्कुल, मैं परवेज साहब से पूछना चाहूँगी, परवेज साहब आप समझते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की जा रही है, सीपैक के अंदर अभी हमने वैसे पर्क्स या वैसे अभी बेनिफिट्स रिसीव नहीं किए, वो अभी आए नहीं है, अभी तो आने हैं बेनिफिट्स, आप क्या समझते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं? अब तो डिफरेंट कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग, सऊदी अरब भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं, UAE भी हैं, कतर भी हैं, तो क्या हमारे पास और अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ख़ासकर लोकल बिजनेस कम्यूनिटी क्या सोचती है सीपैक के हवाले से? देखें, जो सीपैक का जो पहला फेज़ था ना वो डेवलपमेंट का फेज़ था, ठीक है ना। अब जो है ना, अब जो फेज़ आ रहा है ना वो डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन का फेज़ आ रहा है, ठीक है ना।
अच्छा, उसके अंदर एक बात मैं महमूद साहब की जो है ना, जो बात की है उनकी, मैं थोड़ा सा एक ऐड कर दूं कि ये जो चाइनीज़ की आपको जो सपोर्ट मिल रही है ना, ये कोई चाइनीज़ आपको कोई चीज़ फ्री में नहीं लगा के दे रहा है, ये लोन है, यू हैव टू पे दैट बैक, यू नो, ठीक है ना। अच्छा, उसके अंदर एक बात ये है कि इसके अंदर एक फ़ायदा ये होगा कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर से, जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बना के चाइनीज़ गवर्नमेंट दे रही है, इसके अंदर रोड नेटवर्क है, उसके अंदर आपको गवादर पोर्ट है, उसके अंदर गवादर का एयरपोर्ट है, उसके अंदर गवादर में इंडस्ट्रियल जोन है। एयरपोर्ट तो एक चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से तोहफा है ना हमारे लिए। यस, देखिए वो तोहफा है, ठीक है, वो भी उसके अंदर सीपैक के अंदर जो है ना वो भी शामिल है, वो सीपैक के अंदर शामिल है, जो सीपैक का पैकेज है ना, उसके अंदर पैकेज के अंदर वो चीज़ है, शामिल है। तो बहरहाल जहाँ तक मेरी मालूमात है कि वो सीपैक के पैकेज के अंदर वही वो भी एयरपोर्ट भी शामिल है। अच्छा, बात आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि इसके अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होगी उसके अंदर चाइनीज़ की जो चाइनीज़ जो कंपनीज़ हैं वो इटसेल्फ वो भी इंटरेस्ट शो किया है उन्होंने कि वो हम पाकिस्तान में आके वो फैक्ट्री लगाएं। देखें अब चाइना में बहुत सारे ऐसे जो वेंचर्स हैं या ऐसे सारे जो कारोबार हैं ना, वो अब उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट वैसे ही महंगी हो रही है और वो चाह रहे हैं कि भाई अगर पाकिस्तान में करीब पोर्ट के करीब, देखें ना बादल से लेकर चाइना में अगर एक फैक्ट्री बनी हुई, वो चाइना से ऑल द वे अगर वो बन के यहाँ आ रही है और उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है तो वो क्या है कि पोर्ट में शिपमेंट होते होते उसकी एक कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो अब चाइनीज़ चाहते क्या हैं या चाइनीज़ जो इंडस्ट्रियलिस्ट भी वो ये चाहते हैं कि जो चीज़ बनेगी ना वो चाह रहे हैं कि वो पोर्ट के करीब बने और सीधा अफ्रीकन मार्केट, गल्फ मार्केट और पाकिस्तान की मार्केट और ये जो रीजन है जिसे हम कहते हैं इसको कैप्चर कर सकें। अच्छा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनती हैं, आपको पता है कि उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो इसकी जो कॉस्ट से ज़्यादा महंगी हो जाती या वो बहुत ज़्यादा फिर उसकी बल्क कार्गो होता है तो क्वांटिटी होती है, वॉल्यूम बड़ा हो जाता है, तो वो चाहते हैं कि वाई नॉट वी प्रोड्यूस इट हियर, क्या ताकि हम बनी बनाई चीज़ ऑल द वे चाइना के एक कोने से हम यहाँ लेके आए पाकिस्तान में। तो ये एक बहुत बड़ा चाइनीज़ का इनिशिएटिव है और मेरे ख्याल में जो अभी जो बातें हो रही हैं, जो अभी वाइस प्रीमियर आए हैं वो भी इसी समझ लेंगे, इसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो परवेज साहब, क्या हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी क्योंकि जब वो यहाँ पर अपनी इंडस्ट्रीज लगाएंगे या यहाँ अपनी कंपनीज लगाएंगे तो क्या एम्प्लॉयमेंट हमारी लोकल को मिलेगी या वो अपने ही एम्प्लॉयज़ को प्रेफर करेंगे? देखें, अगर वो अपने भी लोग ला रहे हैं ना सपोर्ट के लिए तो हमारी जो जो वर्कर्स हैं ना वो ट्रेन हो जाएंगे। देखें, बात दरअसल ये है कि हमारे वर्कर्स को ट्रेनिंग भी चाहिए। अगर आपके पास वहाँ से कोई स्किल लेबर आती है और यहाँ हमारे वर्कर्स को साइड बाय साइड उनको ट्रेन कर देती है तो इससे बड़ा अच्छा मौका पाकिस्तान को नहीं है। देखें, हमें भी स्किल लेबर चाहिए, हमें वो लेबर चाहिए कि उसी स्टैंडर्ड की जो प्रोडक्ट है ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की प्रोडक्ट हमारे यहाँ बने और वहाँ से यहाँ से एक्सपोर्ट हो। एक तो क्या है कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन होगी, एक दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ लोकल प्रोडक्शन होगी, दूसरी क्या है कि इसके अंदर कोई ना कोई तो पाकिस्तान का कंपोनेंट आएगा ना, पैकेजिंग का आएगा, ट्रांसपोर्टेशन का आएगा, कहीं ना कहीं पाकिस्तानी लेबर तो इन्वॉल्व होगी ना। देखें, चाइना हर चीज़ तो अपने साथ नहीं ला सकता। पाकिस्तान के लिए बड़ी एक अच्छी बात होगी कि वो किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व होगा। देखें, अगर आपकी 100 फैक्ट्रियाँ लगती हैं और 100 फैक्ट्रियों में लॉजिस्टिक अगर पाकिस्तान को मिल जाती है या कोई और चीज़ें मिल जाती हैं तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का लेबर इन्वॉल्व होगा, कहीं ना कहीं फैक्ट्री में पाकिस्तान की लेबर इन्वॉल्व होगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और अच्छी तरफ से हम पॉजिटिवली इसको देखें। देखें, बात दरअसल ये है कि इसमें बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि लोग नेगेटिव भी सोचते हैं, मगर हम अगर पॉजिटिव सोचें और ये सोचें कि यार पाकिस्तान के लिए बेहतर हो और अल्लाह करे कि बेहतर हो, हर चीज़ उसी तरह से जाए जिस तरह से एक आम पाकिस्तानी या एक आम बिजनेसमैन या पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी सोच रही है या गवर्नमेंट का वो डायरेक्शन है। देखिए, गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि यार पाकिस्तान के पास जो है ना एम्प्लॉयमेंट बढ़े, पाकिस्तान का रेवेन्यू बढ़े, पाकिस्तान का एक्सपोर्ट बढ़े, पाकिस्तान में FDI आए। देखें, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था ना सीपैक के, वो तो बन गया तकरीबन और अब इम्प्लीमेंटेशन पे, अब हमारे इंडस्ट्रियल जोन बन गए, इंडस्ट्रियल जोन में एक्टिविटी होनी बाकी है। अब क्या है कि अब जो चाइना है वो अपने जो चाइनीज़ इन्वेस्टर हैं, उनकी कंपनीज हैं, उनको यहाँ माइग्रेट करें और उनको यहाँ फैक्ट्री को मूव करें और पाकिस्तान में वो चीज़ें बनना हो। अगेन आई एम कमिंग बैक टू द सेम थिंग कि भाई अब जो बल्क चीज़ें जो चाइना में बन के यूं ही ट्रांसपोर्ट हो रही थी, हो सकता है कि वो गवादर में बने, हो सकता है कि वो उस जगह पे बने जहाँ से रोड जा रही है, जहाँ से वो हाईवे जा रहा है और वहाँ के इंडस्ट्रियल जोन में बने,
और एक बात चाइनीज़ गवर्नमेंट की आप सोच रहे हैं कि चाइना ने अपने मुल्क में जो काम किया हुआ है ना, कि उन्होंने अपने मुल्क में जो है ना डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रियल जोन बना दिया और उनको स्पेशलाइज कर दिया है कि इस एरिया में ये चीज़ बनेगी, फर्नीचर इस एरिया में बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक इस एरिया में बनेगा। तो यही सेम फिलॉसफी जो है ना वो पाकिस्तान में कन्वर्ट होने जा रही है। बिल्कुल, ये थ्योरी अपनानी चाहिए। मैं महमूद साहब से यही सवाल पूछना चाह रही थी। महमूद साहब, जोन्स हमें अब एक डिस्क्राइब करना पड़ेंगे, पूरे पाकिस्तान के अंदर जोन्स को डिवाइड करना पड़ेगा, कौन सा सेक्टर कौन सी जगह पे अपना वैल्यू एडिशन करेगा, प्रोडक्शन करेगा, वो हमें थोड़ा सा बताना पड़ेगा। आप समझते हैं गवादर के अंदर भी एक जोन बनाए गए हैं कुछ? तो परवेज़ भाई की आगे खत कलामी, आपकी परवेज़ भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए कहूँ, इस वक्त भी चाइनीज़ ने 7 इंडस्ट्रीज़ वहाँ लगाई हुई हैं, 7 इस वक्त, और उसके अंदर मेजोरिटी लोग जो हैं वो वहाँ के मुकामी लोग हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं। उसके अलावा चाइनीज़ ने वहाँ पे एक अपना वोकेशनली ट्रेनिंग सेंटर बनाया हुआ है, वो लोगों को वहाँ ट्रेंड कर रहे हैं। किस हवाले से? जो मुख्तलिफ वो उनकी जो ट्रेनिंग होती है वहाँ के मुकामी लोगों की। तो चाइनीज़ का ये बहुत बड़ा रोल है हमारे साथ कि वो उसको सिर्फ अपने लोगों को नहीं ला रहे, वो वहाँ पे कितने अपने लोगों को लेकर आएंगे, ये हमारे यहाँ बड़ा नेगेटिव इसको सोचा जाता है। वो वहाँ के मुकामी लोग हैं जो वहाँ पे, बल्कि वो यहाँ से लेबर ले लेंगे, हाँ ठीक है। और उसके अलावा जो उन्होंने SBC बनाया हुआ ना, अपना सेंटर बनाया हुआ, उसके अंदर भी लोग हमारे का चाइनीज़ हैं, जाहिर सी बात रहना वो करते हैं, लेकिन उसमें भी काफ़ी लोग जो है ना वो हमारे मुकामी भी हैं, नंबर एक। दूसरी बात ये कि अब आपने अभी एयरपोर्ट की बात पूछी, तो एयरपोर्ट तैयार है बिल्कुल। अभी शहबाज शरीफ साहब ने जो आए थे तो हमारा ख्याल था कि शायद उसकी ओपनिंग हो जाएगी, लेकिन उसमें सिर्फ मेरे ख्याल है जो सितंबर के एंड में शायद उसको करेंगे। अच्छा। बिल्डिंग तैयार हो चुकी, रनवे तैयार हो चुका, एवरीथिंग, सिर्फ आखिरी चीज़ें कुछ रह गई हैं जो 1 महीना 1.5 महीने का टाइम, सिविल एशन के DG भी वहाँ आए हुए थे। तो अभी जो उनका ये पूरा दिन लगाया है शहबाज शरीफ साहब ने, और ये बड़ी बात है कि उसमें हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बैठे रहे, और वो हर चीज़ को, उनके बैठने का मकसद क्या है, हर चीज़ पे एक स्टम्प लगाई जा रही है। मैं समझता हूँ कि सब मिलके इस पाकिस्तान को ठीक कर सकते हैं, तो ये एक बहुत खुशाइन बात है ना इस लिहाज से। फिर इंडस्ट्रीज वहाँ पे GDA अपने इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो बना रहा है, उस पर बड़ी तेज़ी के साथ काम हो रहा है। अभी इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने 100 उसका GM अभी और किया, ईरान से ला के दिए लाइट आपको, और तो ये सब चीजें जो है इस बात की तरफ निशानदेही कर। ये बहुत अच्छा हो गया। वैसे वहाँ पे अगर एनर्जी के ऊपर, एनर्जी तो वहाँ प्रॉब्लम है, पानी की लाइन वो डाल चुके हैं, एनर्जी की प्रॉब्लम ईरान से सही करवा रहे हो, ठीक है। एक बहुत बड़ी खबर ये है कि भाई यूनिवर्सिटी के लिए 500 एकड़ जमीन दे दी गई, गवादर में एक यूनिवर्सिटी बन रही है, अभी उसकी भी इनॉग्रेशन जो है प्राइम मिनिस्टर ने कर दी। अभी जो उन्होंने 8-10 चीज़ों की इनॉग्रेशन की है, उसके अंदर रोड के ऊपर रोड की बहुत सारी वो की है, वो आरोज लगाने का एक बहुत बड़ा मंसूबा जो है वो गवादर, ये सब CPAC के थ्रू आ रहा है ना, ये सारा कुछ CPAC के अंडर ही आ रहा है जो वो करके दे रहे हैं। और इस पर तो जब देखें, यूनिवर्सिटी अगर किसी जगह बन जाएगी, टेक्निकल स्कूल अगर किसी जगह बन जाएंगे, टेक्निकल चीज़ें अगर आ जाएंगी, तो गवादर उठेगा तो पूरा पाकिस्तान उठेगा। इस वक्त ज़रूरत यही है कि हमें CPAC के जितने भी हमारे टर्म्स कंडीशन हैं उनको हम बीइंग ए पाकिस्तानी कम्प्लीट करते जाएँ। अगर हमने उसको देर देगी तो फिर मसाइल पैदा होंगे। अब देखिए ना, एक और खबर है कि आपको वहाँ पे एक रिफाइनरी बन रही है, जो परसों एक एग्रीमेंट हुआ है वो कितनी बड़ी बात है कि वहाँ पे जगह इन्होंने ले ली है। और महमूद साहब, एक और चीज़ ये कि यहाँ पर अब डेलीगेशंस भी आ रहे हैं और डिग्निटरीज भी आ रहे हैं, फॉरेन डिग्निटरीज। कल के दिन भी हम एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस देखने वाले हैं मिनरल्स के हवाले से, जो कि बलूचिस्तान के लिए अगेन बहुत बड़ी होगी। आप क्या समझते हैं कि एक परसेप्शन था जो पाकिस्तान आइसोलेटेड था, पाकिस्तान के अंदर मसाइल थे, अब एक तरफ ये है कि लोग भी आ रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी क्रिटिक्स हो रहा है, अब इसको भी थोड़ा डिफाइन करें कि अब हमें एज एन इंडिविजुअल अपनी जिम्मेदारी कैसे निभानी है। बहैसियत पाकिस्तानी मुझे खुद पहले ये सोचना चाहिए कि हम किसी पे क्रिटिसाइज करने से पहले, बलूचिस्तान के हालात कुछ भी थे, आज जो हालात हैं उनकी बात करें। अभी जो साल दो साल से हालात पैदा हुए हैं, क्या वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही? क्या वहाँ पे इसका आना, जो ये मैं कहता हूँ रिफाइनरी का आना, ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की, बहुत बड़ी कामयाबी है। अप्रोक्सीमेटली $12 बिलियन की जो है, और उसके अंदर किन किन को शामिल किया गया है उन्होंने, ये भी बड़ी बात है ना। हम क्राइसिस से उसी वक्त निकलेंगे जब हम अपनी फुटिंग को सही कर सकें। बहुत अरसे से चल रहा था ना यूनिवर्सिटी का, उसका रिफाइनरी का मसला चल रहा था, लेकिन अब एग्रीमेंट हो गया। हमारे अपने मसाइल कब ख़त्म होंगे? जब हम इम्प्लीमेंटेशन शुरू करें। अब ऑयल रिफाइनरी आएगी, हज़ारों लोग उसके अंदर गवादर के जो कुर्बो जवार के वही वहाँ पर जॉब करेंगे ना, कम अज़ कम अभी 15-20 हज़ार आदमी तो वहाँ काम करेगा।
तो वो कहाँ से आएंगे, वही उसी इलाके के लोग, लोग इस बातों से बड़े खुश हैं वहाँ के। रिफाइनरी के हवाले से बात करें परवेज साहब, तो एक तरफ हम रशिया से ऑयल ले रहे हैं, क्रूड ले रहे हैं, उसकी जो रिफाइनिंग है वो बड़ी डिफिकल्ट है हमारे लिए, तो इसलिए सिर्फ पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड PRL जो है वही इसको कर रही है, अदरवाइज और रिफाइनरीज के लिए इशू है। अगर रिफाइनरी बन जाती है इट टेक्स टाइम, बट ये होगा कि आने वाले दिनों में हमारे लिए एक जगह होगी, एक स्पॉट होगा कि अब आप आराम से जो है वो यहाँ पर रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अगर इंटरनेशनली कोई प्रॉब्लम है, कोई हम मार्केट आगे गई हुई है, मार्केट ज़्यादा है, तो हम अपना चीप ऑयल भी रिफाइन कर सकते हैं। तो कितना अच्छा इनिशिएटिव है, और कुछ चीज़ें पास्ट में ले लेनी चाहिए थी, ये इनिशिएटिव थोड़े डिले हो गए, ऐसा क्यों है? देखिए ऑफकोर्स आपने बिल्कुल सही कहा कि रिफाइनरी जो है ना उसको बनने में तो टाइम लगता है, एटलीस्ट वो एटलीस्ट अगर मिनिमम टाइम भी देखें तो 5 से 6 साल तो उसके कहीं भी नहीं गए। तो बात दरअसल ये है कि देखें ये इम्प्लीमेंटेशन का अभी जो सिलसिला चल रहा है ना वो बहुत ज़रूरी है गवादर की डेवलपमेंट के लिए और गवादर के साथ पूरे मुल्क की डेवलपमेंट के लिए। अच्छा जो वोकेशनल ट्रेनिंग की जो बात की महमूद साहब ने, उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग में डिफरेंट डिसिप्लिनस हैं जिसके अंदर वो लोगों को जो लोकल लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्योंकि चाइनीज़ के ऑलरेडी चाइनीज़ ने प्लान किया हुआ है कि उन्हें इस इलाके में कौन सी इंडस्ट्री चाहिए, तो उन्होंने वो जो डिसिप्लिन पे जो लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं ना वो पहले से एडवांस ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि जब वो इंडस्ट्री यहाँ आए तो उनको पता है कि ये लोग इनके पास रेडी होंगे और वो उनको लोगों को कहाँ यूज़ करना है और किस डिसिप्लिन में उनको तो ये अगेन पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी है ना। अच्छा देखें जो भी है जो भी एक कंट्री पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रही है और जिस तरीके से चाइनीज़ की इन्वेस्टमेंट है तो उनके पीछे जाहिर बात है कि उनका अपना भी इंटरेस्ट है, सबसे पहले तो वो अपना इंटरेस्ट देखते हैं, ठीक है ना, तो उनका अपना इंटरेस्ट सबसे पहले होगा। मगर उसके साथ साथ अगर पाकिस्तान बेनिफिट कर रहा है और पाकिस्तान को उसके अंदर बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है तो वाई नॉट। अच्छा देखें जहाँ शहद होगा तो वहाँ मक्खियाँ तो आएंगी, जहाँ बिजनेस होगा तो वहाँ हर कोई आएगा, ये आप बिल्कुल फिक्र ना करें कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, जैसे भी हालात होंगे अगर बिजनेस होगा, वाइबल बिजनेस होगा, रिफाइनरी में बिजनेस का इंटरेस्ट होगा तो लोग आएंगे इन्वेस्टमेंट करेंगे, गवादर में अगर बिजनेस का इंटरेस्ट होगा तो आएंगे ज़रूर, गवादर पोर्ट पे अगर कोई इस तरह का बिजनेस इंटरेस्ट होगा तो दुनिया भर के जो है ना इन्वेस्टर वो यहाँ आएंगे, क्योंकि उन लोगों को जो है ना उन लोगों को इन्वेस्ट करना होता है। और पाकिस्तान में जब ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा और ये सारी अपॉर्चुनिटी होंगी तो वो बोले वो तो जहरी बात है कि दे आर ऑल वेटिंग, क्योंकि पाकिस्तान की एक तो पॉपुलेशन है और ये खित्ता पाकिस्तान का जो ज्योग्राफिकली जो पाकिस्तान की पोजीशन है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, की पोजीशन है। आप देखें एक नक्शे में कि आप सीधा टच करते हैं आप सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को, सीधा आप टच करते हैं चाइना से, सीधा आप टच करते हैं इंडिया से, सीधा आप टच करते हैं अफगानिस्तान से, सीधा आप बीचों बीच सबके हैं और बाकी आपके लिए बड़ी आइडियल पोजीशन है, इतनी बड़ी कोस्टल बेल्ट है। तो देखें ये एक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है और जो दुनिया समझ रही है और दुनिया को उससे फायदा लेना है और वो लेने के लिए आएंगे, जब पाकिस्तान अपने आप को प्लेट में तैयार करेगा और बोलेगा कम इन्वेस्ट ही है तो दुनिया वाले आएंगे। तो ये एक परसेप्शन गलत है कि पाकिस्तान के क्या हालात हैं, कैसे हालात हैं, ये तो परसेप्शन वाकई गलत है कि डिफॉल्ट हो रहा है, कि इतनी बड़ी आबादी, इतने यंगस्टर्स, इतनी ह्यूमन कैपिटल और इतने ज्यादा यूथ की पॉपुलेशन होना, इस चीज का मैं समझती हूँ कि डिफॉल्ट होना तो ये एक हम कह सकते हैं ना कि एक बदजनी या फिर एक माशरे के अंदर अफरा तफरी फैलाई गई थी। देखिए हालात होते हैं, खराब भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, पाकिस्तान हर बुरे हालात से लड़के जो है ना पाकिस्तान हमेशा बाहर निकला है, ठीक है ना, और आप कराची के हालात देख लें, आप पूरे मुल्क के हालात देख लें, हम हमारी जो है ना हमारे अंदर जो है ना कि फाइटिंग स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, लोगों में भी है, लोगों में भी बहुत ही रिजिलियंट हैं लोग भी, फाइटिंग करके हैं, दे कम बैक एक्चुअली। और फिर जहरी बात है पॉलिटिशियंस भी देखते हैं कि यार ये जो कौम है ना ये हमेशा उनके साथ होती है। तो देखें हम हमेशा पॉजिटिव सोचें पाकिस्तान के लिए, जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान की पोजीशन बहुत अच्छी है, पाकिस्तान जहां पाकिस्तान की लोकेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर चाइना बट फॉर द होल वर्ल्ड, यू नो, जो जिनका इस खित्ते में इंटरेस्ट है और जिस कंट्री का इस खित्ते में इंटरेस्ट है ना वो पाकिस्तान को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकता, वो ज़रूर चाहेगा कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट नहीं होने देगा, वो पाकिस्तान को आगे ही बढ़ाएगा। और देखें ये पाकिस्तान जिस तरीके से अब जो जा रहा है ना इम्प्लीमेंटेशन का, जो मैंने पहले ही कहा कि ये जो है ना अभी जो टाइम पीरियड है ना वो इम्प्लीमेंटेशन का है,
अब इम्प्लीमेंटेशन में एक रिफाइनरी बनने में 5 से 6 साल लगेंगे। अगर इस किस्म के बड़े प्रोजेक्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट अगर होगी तो आप देखेंगे एक तो FDI भी आएगी, एक दूसरे लोगों का इंटरनेशनल कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस भी आएगा। और आज जो है ना, अभी आप देखें स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं उन्होंने एक बहुत अच्छी पॉजिटिव मैसेज दिया है कि बाय दिसंबर हमारे जो है ना रिजर्व है ना और भी बढ़ जाएंगे, दिसंबर में और रिजर्व बढ़ जाएंगे। इसका मकसद क्या है कि गवर्नमेंट इज समहाउ कोई ना कोई प्लानिंग हो रही है जिसका ये है कि भाई दिसंबर में और इन्वेस्टमेंट आएगी या रिजर्व बढ़ेंगे। तो रिजर्व बढ़ने का ऐसा तो मकसद नहीं है कि कहीं से आसमान से आ रहे हैं, कोई ना कोई तो आपको पैसे देगा जिसकी वजह से रिजर्व आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह वी विल बी ऑन अ राइट पाथ इंशाल्लाह। राइट, चले जी, हमारे साथ ओवर कॉल मुजीबुर रहमान कमरानी साहब मौजूद हैं। आप डायरेक्टर जनरल हैं गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताइए मुजीब साहब, आप क्या समझते हैं जो चाइनीज़ डिप्टी प्रीमियर ने यहाँ का दौरा किया है और साथ साथ जो CPAC के 10 साल मुकम्मल हुए हैं, पाकिस्तान के लिए ये वक्त कितना इम्पोर्टेंट है और आने वाले दिनों के लिए क्या प्लानिंग्स हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इम्पोर्टेंट मौजू पे आपने मुझे लाइन पे लिया है। यकीनन जो 10 साल सफर अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो बहुत सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं CPAC के हवाले से और मुख्तलिफ सेक्टर्स में काफ़ी सारी डेवलपमेंट हुई हैं। मैं तो स्पेसिफिकली ग्वादर के हवाले से नाज़रीन को बताना चाहूँगा, क्योंकि 10 साल पहले, लकीली 10 साल पहले मैं ग्वादर में किसी और एसी में, यहाँ पर मेरी पोस्टिंग थी और 10 साल के बाद फिर मैं ग्वादर में पोस्ट हुआ हूँ। तो मैं, मेरे ख्याल में बेहतर मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ। 10 साल पहले अगर मैं ग्वादर की बात करूँ तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं थी, अब यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी बन गई है। 10 साल पहले यहाँ पे कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं था, तो अभी यहाँ पे ग्वादर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर द लास्ट 3 और 4 ईयर्स स्किल्ड जो है ना वो एजुकेशन यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग दे रही है। 10 साल पहले यहाँ पे पाक चाइना वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का कोई नामोनिशान नहीं था, अलहमदिल्ला बहुत तादाद एक बार चाइना वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन चुका है। इसी तरह अगर रोड सेक्टर में बात करें तो यहाँ पे तकरीबन CPAC की बदौलत यहाँ पे 400 किलोमीटर से जायद मास्टर प्लान के रोड बन चुके हैं। एक्सप्रेस वे यहाँ पे नहीं था, पहले बना हुआ था, तो तकरीबन 17 अरब की लागत से यहाँ पे खूबसूरत किस्म का एक्सप्रेस वे बना है जो पोर्ट को डायरेक्ट कोस्टल हाईवे से कनेक्ट कर रही है। तो पाक चाइना फिशरी हॉस्पिटल हेल्थ के सेक्टर